रमीज राजा फील्स यूज्ड एंड बेंड. क्या न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को मिले थ्रेड्स फेक थे और क्या टिप्स दिए इमरान खान ने ग्रीन शर्ट्स को. वेलकम टू फैनटोपिया, दिस इज योर होस्ट इस्मा असलम. बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब विच इज कॉल्ड खबरें शबरें. This week was supposed to be fun and exciting, लेकिन it just turned out to be the totally opposite. Firstly, New Zealand ने abandon की series moments before the first ODI, citing that there was a credible threat to the team. जिसके जवाब में हमारे interior minister ने ये तक कह दिया कि जितनी security हमने New Zealand cricket team को provide की थी, उतनी तो New Zealand में forces भी नहीं होंगी. लेकिन हमारी बची खुची उम्मीदों पर पानी ईसीबी ने उस वक्त फेर दिया व्हेन दे आल्सो कैंसल्ड देयर टूर टू पाकिस्तान, सेइंग दैट देयर आर इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट ट्रैवलिंग इन द रीजन. एटलीस्ट इंग्लैंड वालों को ये तो याद रखना चाहिए था कि पाकिस्तान वाज द टीम हु रेस्क्यूड इंग्लैंड इन देयर टाइम ऑफ क्राइसिस ड्यूरिंग कोविड. लेकिन लगता है कि इंग्लैंड वालों की याददाश्त काफ़ी कमज़ोर है. लेकिन अगर ये टीम्स अभी पाकिस्तान नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमें पूरी उम्मीद है कि सून ऑल दीज बिग टीम्स वुड वांट टू प्ले इन पाकिस्तान. न्यूजीलैंड को मिली थ्रेटनिंग मेल्स से रिलेटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमारे फेडरल मिनिस्टर फवाद चौधरी का कहना था कि दोज मेल्स वर सेंट फ्रॉम इंडिया. ही ऑल्सो डिस्क्लोज दैट एन आर्टिकल वॉज रिटन बाई एन इंडियन ऑन द संडे गार्डियन सेंटर्ड अराउंड अ फेक सोशल मीडिया पोस्ट. ये ईमेल अकाउंट 24 अगस्त 2021 को रात 1:05 के ऊपर क्रिएट किया गया और 11:59 पे सुबह इस ईमेल से ये ईमेल जो मार्टिन गुप्टल हैं उनकी बीवी को ये ईमेल जो है वो की गई. इट वॉज अ रियल शेम. दैट्स हाउ कीवीज स्किपर केन विलियमसन रिस्पॉन्डेड टू न्यूजीलैंड पुलिंग आउट एट द लास्ट मोमेंट. उनका कहना था कि ही होप्स कि इससे पाकिस्तान क्रिकेट पे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो. ही ऑल्सो एडेड कि क्रिकेट इज सपोर्टेड एंड लव्ड इन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज आर वेरी पैशनेट व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट. उनका मजीद ये कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट हर जगह खेली जानी चाहिए एंड इट वॉज वेरी गुड टू सी इंटरनेशनल क्रिकेट रिटर्न टू पाकिस्तान. रिसेंटली हमारे T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की. अरे अरे, यहाँ पे फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर की नहीं, करंट प्राइम मिनिस्टर की पिक्चर लगनी है. 1992 के विनिंग कैप्टन इमरान खान ने ग्रीन शर्ट्स को एडवाइस किया टू प्ले विदाउट एनी फियर. ही ऑल्सो प्रेज्ड बाबर आजम्स बैटिंग एंड सेड कि ही विल बिकम द बेस्ट बैटर इन एशिया. वी होप कि इमरान खान के साथ हुई ये मोटिवेशनल मीटिंग काम आए एंड आर टीम प्लेज विद देयर हार्ट एंड ब्रिंग्स द वर्ल्ड कप होम. पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा भी काफी अपसेट नजर आए ऑन ऑल द हैपनिंग्स एंड ही टुक सोशल मीडिया टू एक्सप्रेस हिज एंगर. उनका कहना था कि आखिर न्यूजीलैंड किस दुनिया में रह रही है एज दे हैव नॉट शेयर्ड एनी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द थ्रेट. उनका ये भी कहना था कि वी विल सी यू इन द T20 वर्ल्ड कप. ही ऑल्सो स्टेटेड कि इंग्लैंड का ना आना भी एक्सपेक्टेड था क्योंकि ये वेस्टर्न ब्लॉक एक तरफ हो जाता है. ही डिड नॉट होल्ड बैक इन बैशिंग द वेस्टर्न ब्लॉक और कहा कि वी ऑलवेज गो आउट ऑफ आर वे टू अकोमोडेट देम. उनका ये भी कहना था कि ही फील्स यूज्ड एंड बेंड. उस्मान ख्वाजा हैज एक्सप्रेस्ड हिज डिसअपॉइंटमेंट ऑन न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड कैंसलिंग देयर टूर्स टू पाकिस्तान. उनका ये भी कहना था कि अगर यही सिचुएशन इंडिया में होती तो कोई ना नहीं कहता एंड टूर वुड हैव कैरिड ऑन. उस्मान ख्वाजा वाज पार्ट ऑफ दिस ईयर्स HBL PSL और उन्होंने हमारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट की काफ़ी तारीफ की. क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि दे विल मॉनिटर सिक्योरिटी और रेलिवेंट अथॉरिटीज के साथ कॉन्टैक्ट में रहेंगे. It will not be a surprise if Cricket Australia also decides not to come to Pakistan, lekin we are hopeful to see them play in Pakistan real soon. And now it's time for social baziyan. There has been an outpour of support for Pakistan as New Zealand and England cancelled their tours. Sri Lankan and West Indian players have come forward and expressed how disappointing it is as Pakistan is one of the safest countries they have toured. जब हम सब थे अफसरदा व्हेन इंग्लैंड आल्सो कैंसल्ड इट्स टूर, तभी डैरन सैमी ने एक मिस्टीरियस ट्वीट करके हम सबको हैरान कर दिया. इमामुल हक हैज रिक्वेस्टेड फैंस टू सपोर्ट डोमेस्टिक क्रिकेट मोर देन बिफोर एज दे नीड देयर सपोर्ट नाउ. पिछला हफ्ता वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर एवरीवन बट इट इज गुड टू सी आवर प्लेयर्स still motivated and in good spirits. British High Commissioner to Pakistan Christian Turner has showed his sympathies towards heartbroken Pakistan cricket fans. He released a video stating that he hopes the international cricket returns to Pakistan with full stadiums. Assalamu alaikum. I share the deep sadness of cricket fans that England will not tour Pakistan in October. Mujhe afsos hai. This was a decision made by the ECB, which is independent of the British government, based on concerns for player welfare.
The British High Commission supported the tour, did not advise against it on security grounds. Sri Lankan and West Indian players were the first ones to come forward and advocate for Pakistan. Our very own Universe boss tweeted that he is travelling to Pakistan the day New Zealand abandoned the tour. This love and support came while he is in the UAE playing for IPL. This shows the support these players have for Pakistan. Where everyone is questioning ECB's decision to back out of the Pakistan tour, wahin Kevin Peterson came forward defending ECB, saying it is difficult to live in the bubble and having your movements be watched. Lekin Pakistani players to aaye the without any complaints to save England cricket in summer. Not once, but twice, and they also lived in strict quarantine as well. Now let's move toward Fantasy Nama. न्यूजीलैंड और इंग्लैंड नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा अपना फेयरसली कंटेस्टेड T20 टूर्नामेंट शुरू हो चुका है, जिसमें हमें नजर आएंगे बाबर, इमाम, शादाब, शाहीन के साथ साथ बहुत सारे स्टार्स इन एक्शन. एंड आई नो आप काफ़ी मायूस होंगे विद ऑल द कैंसिलेशन न्यूज़, बट इट्स टाइम टू चेयर अप, क्योंकि हम दे रहे हैं आप सबको अमेजिंग चांसेस टू विन अप टू 10,000 PKR इन एवरी मैच ऑफ दिस एंटरटेनिंग टूर्नामेंट. आज IPL में मुकाबला होगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का. RCB विल बी लुकिंग टू मेक अ स्ट्रॉन्ग कमबैक आफ्टर अ ह्यूमिलिएटिंग डिफीट एट द हैंड्स ऑफ KKR. You can bank on RCB's big show Maxwell, who can turn the tables around with his bat. Lekin CSK ke paas hain captain cool MS Dhoni, jo apni team ko RCB ke against jitwa kar points table par top par pahunchne ki koshish karenge. So abhi Crick Wick pe apni fantasy team banaye aur paaye mauka zabardast namaz jeetne ka. That's all from today's episode of Fantopia. Apna bahut khayal rakhiye. Hamari aapse mulaqat hogi agle episode mein. Till then, Allah Hafiz.